राष्ट्रीय लेवल पे है या खाली एमपी लेवल पे? अभी कौन? ये आपका जो संगठन आपने रजिस्टर्ड करवाया हुआ, तो ये एमपी लेवल पे या राष्ट्रीय लेवल पे है अभी? ये इसका पूरा काम राष्ट्रीय लेवल का है। हाँ, तो क्या क्या मेरे पास, मैं आपको काम में हेल्प करूँगा। मेरे बहुत आदमी पहचान के और अच्छे आदमी है। देखिए, सबसे पहले तो आप अपने जेहन से ये बात निकालिए कि हाँ, आप इस मिशन की मदद कर रहे हैं। नहीं, देखो देखो देखो, मैं थोड़ा सा इसको, इस चीजों को स्पष्ट करने में बड़ा अच्छा होता है। देखिए, इन दुष्ट राजनेताओं ने हाँ, हमें दुष्टतापूर्वक गुलामों के नियमों में बांध के रखा है और सत्ता का हस्तांतरण उस समय स्वीकार किया जब अंग्रेज बेहद ही डरे हुए थे और भागने के लिए उन्होंने एग्जिट प्लान बनाया हुआ था। सही है। और ये हाँ सर, इस थोड़ा सा बैकग्राउंड मुझे कह लेना दो, बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो बैकग्राउंड। हाँ और हाँ उस समय जबकि हमें 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे के तहत बड़ी संख्याओं में हिंदू का नरसंहार किया गया, उनकी महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया और धर्मांतरण किया गया, उस अनुभव के बाद भी इन दुष्ट राजनेताओं ने इस देश के पार्टीशन के समय कोई भी सतर्कता नहीं बरती, कोई प्लान नहीं बनाया। तो ये हमारे राजनेता देवन से महादुष्ट लोग हैं, देवन से। हाँ, एग्री कर रहा हूँ मैं आपकी बात। और दुबे जी, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि हाँ जी, इन दुष्टों ने अंग्रेजों के वो सब नियम कानून हाँ, आज भी है। जो अंग्रेजों ने भारतीयों को 1857 की क्रांति के बाद क्रश करने के लिए बनाए थे, शोषण हाँ, और शोषण करने के लिए। करने के लिए, अपमानित करने के लिए, उत्पीड़ित करने के लिए, प्रक्रिया में फंसा के आपको तोड़ देने के लिए बनाए थे, इन दुष्ट राजनेताओं ने वो आज भी हमारे ऊपर थोप के रखे हैं। हाँ, सही है। मैं कई बार सोचता हूं कि एक 23 वर्ष का बच्चा, भगत सिंह की डायरी पढ़िए, हाँ उसने सोचा हुआ था कि हमारे सपने का भारत कैसा होगा। इन दुष्ट और गधे राजनेताओं का कोई सपने का भारत नहीं है। हाँ इन सारे दुष्ट राजनेताओं को कभी लज्जा आएगी कि नहीं आएगी? लग जाती है, फिर ये सब होता ही क्यों? तो मैं यही कह रहा हूं कि हाँ आज तक इन लोगों ने आपको पकड़ के रखा, कोई अपने आप को दोष दे रहा है कि जनता बेकार है, जनता बिस्तर। अरे, जनता को तो इन्होंने फंसा के रखा हुआ है, आपके पास क्या ऑप्शन है? ये जब अच्छे लोगों को टिकट ही नहीं देंगे और बदमाश और अपराधियों को ही टिकट दे रहे हैं, और वो तब ये टिकट दे रहे हैं, सोचने की बात है। जब तीन हाँ तीन PILs माननीय सुप्रीम कोर्ट में लगी हैं हाँ और तीनों सुप्रीम कोर्ट तीनों जो है ना, उसका जो सम टोटल है हाँ वो केवल यही है कि जब इस देश में चपरासी बनने के लिए साक्षरित और साक्षर होना चाहिए, जबकि हाँ बेचारा चपरासी कोई महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लेता है, हाँ तब ये देश के राजनेता जो हमारे कानून के निर्माता भी हैं और भाग्य विधाता भी हैं, ये अनपढ़, गवार, भ्रष्ट, बदमाश, मक्कार, चरित्रहीन और अपराधी क्यों? सही है आपकी बात भाई। आज देखिएगा, राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। पहले अपराधियों को साथ में लेते थे, अभी उनको टिकट देने लगे। ये मैं आज आप आपको देखिएगा, ये मैं आपको बताऊं, ये देवन से किया। ये बताइए, ये कांग्रेस कितनी दुष्ट थी कि इसने संविधान की भावना के विपरीत नियम कानून बनाए। ये संविधान गारंटी करता है कि इस देश में किसी भी जाति, धर्म, रेस और रिलीजन के आधार पर कोई क्लियर, मतभेद सही नहीं है, किया सही जाएगा। इन सही है दुष्टों भाई। ने इसको छोटी छोटी जातियों में बांट दिया, इन ये तो ठीक दुष्टों। है। आप देखिए, कोई भी कंट्री बता, दो कानून का हम लोग बता, वर्ल्ड में है किसी के देश में दो कानून? इंडिया में है। ममदल्ला बनाने की क्या जरूरत थी इनको? है बम्बोर बना के रखा, उसकी नौटंकियां देखो आप, बम्बो की क्या कर रहा है वो। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूं कि ये राजनेता ही महादुष्ट हैं। और हाँ यदि आज की व्यवस्था को हम राक्षसी कहें तो हाँ तो कोई मतलब क्यों नहीं है। हाँ उस राक्षस की जान जो है जिस तोते में है, उसका नाम राजनेता है। सही है, हाँ इस देश में कोई भी सकारात्मक बदलाव तभी संभव है जब ये हम सही इन बात है। देखिए, राजनेताओं को इनके ही गेम में पराजित करें। मेन चीज क्या है कि हिंदुस्तान का आदमी बहुत ठीक है,
आज आप देखिए एवरेज निकालिए तो लिटरेट और अनलिटरेट पीपुल कितने परसेंट हैं। तो जो लिटरेट पीपुल है वो समझते हैं, तो उनके उससे वोट से क्या होता है, इनलिटरेट पर्सन बिक जाता है, दारू पिला दी पैसा दे दिया, उसको कोई से मतलब नहीं है। मेन प्रॉब्लम यहाँ आता है, उसको कोई से मतलब नहीं है, वो तो बिका हुआ पैसे में। अन्ना आजाद जैसे ना हम कह दिया था भाई मैं खड़ा नहीं था चुनाव में, क्योंकि यहाँ का आदमी ने गांधी जी के उसमें बिक जाता है, सही कहा उसने। अच्छा नहीं हाँ नहीं लेकिन बात वो नहीं है। यदि हम यहाँ पे कोई भी बदलाव लाना चाहते हैं तो हाँ हाँ मुझे पार्लियामेंट के मंदिर में जाकर ही वो बदलाव करना होगा। हाँ वो तो सही बात है भाई। देखिए, संविधान की को तोड़ मरोड़ते हुए इन लोगों ने जो घटिया कानून बनाए, ये बताइए इस देश में क्या मंडल कमीशन बनाया जा सकता था? मैं कह रहा हूं मंडल कमीशन अपने आप में असंवैधानिक है, क्योंकि मंडल कमीशन की सोच ही जो है वो डिस्क्रिमिनेशन के आधार पर है। भाई आज क्या के हर नेता का वही हाल है, जो अंग्रेजी की पॉलिसी डिवाइड एंड रूल, वो सेम पॉलिसी इन लोगों की है। पब्लिक को बेवकूफ जिस तरह से बना सकते हैं बनाओ, और इनके सामने टुकड़ा फेंक दो बस। तो आपको नहीं लगता है कि क्राइम फ्री भारत इस अंधेरे में एक वो चिराग है जो आपके सभी कष्टों को दूर कर दे रहा है? बिल्कुल लग रहा है मेरे को भाई, इसलिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ, मगर इसमें क्या कि टाइम लगेगा, अपन एकदम सोचे एकदम से पॉलिसी नहीं, लेंगे। इसमें कोई समय नहीं लगेगा। यदि हम लोग जो है दुष्टता को त्याग दें, यदि हम पूरी शक्ति लगा के अपने लोगों को जोड़ने लगें, इसमें क्या कि देखिए हैंड अच्छे चाहिए, जो वाकई में मतलब सच्चे दिलों दिल से काम देखिए, करें। कोई अच्छे हैंड नहीं चाहिए। देखो, मैं तो ये कह रहा हूं जो अच्छे हैंड और विद्वान हैं, उन विद्वान दुष्टों के रहते हुए इस देश में संविधान की भावना के विरुद्ध अब कानून बनाए गए। ये विद्वान हाँ क्या कर रहे थे? इस देश का इतिहास बदल दिया गया। जो आपको हम और आप जो इतिहास पढ़े हैं वो झूठा इतिहास है। भाई, अभी इन विद्वानों के रहते वो इतिहास कैसे बदल दिया गया? भाई हकीकत तो लोगों को मालूम ही नहीं है, वो सब चीज छुपाई गई है, अब अरे धीरे धीरे लेकिन वो इन चीज विद्वानों सामने आ को तो रही है। मालूम होना चाहिए था, यदि अपने आप को ये विद्वान कहते हैं तो। आप देखिए समझिए, अब सरदार वल्लभ भाई पटेल को आना चाहिए, इन्हें आने दिया सरदार वल्लभ भाई पटेल को, दबा दिया मही भाई। गांधी जी का क्या योगदान है बताइए मेरे को, नेहरू जी का क्या योगदान है, जिनने देश के लिए कुर्बान दी, आज तो उनका इतिहास ही खत्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये विश्वासघाती लोग थे। इन्होंने माननीय सुभाष चंद्र बोस, जो कि आईसीएस ऑफिसर थे, और हाँ वही वही उस वही समय जबकि फ्रेंच का पेपर जो है ना नया इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके हाँ बावजूद भी उन्होंने चौथी रैंक हासिल की थी पूरे विश्व में। वो बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और हाँ, वो किसी भी भारतीय के लिए बड़ी उपलब्धि थी। उस व्यक्ति ने आईसीएस पे लात मार के चले आए। इनका तो अभी जवाहरलाल नेहरू का इतिहास खोजेंगे तो मालूम नहीं, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में हो सकता है फेल वेल होते रहे हो। अरे मैं हाँ अब आपको कहना नहीं चाह रहा, वो सब चीजें मतलब नहीं, इनके मैं हथियार मैं इन मैं चीजों के मुझे लिए नहीं लोग मर मालूम रहे है, हैं। लेकिन यदि इसकी कोई खोज करेगा तो मुझे पक्का विश्वास है कि ये थर्ड रेटर, थर्ड डिवीजन वाला जो है ना व्यक्ति होगा, ऐसा भाई मेरा अभी मानना है। भाई मैं तो पॉलिटिक्स में इसके पहले रामविलास पासवान जी की पार्टी में था, फिर पासवान जी खत्म हो गए, तब भी जिला अध्यक्ष था, अभी मैं भी जिला अध्यक्ष हूँ, मतलब अनुप्रिया पटेल जो है उनकी पार्टी में हूँ जिला अध्यक्ष। देखो, मैं आपको बताऊं, सभी पार्टियां दुष्ट हैं। सभी भाई पार्टियां जो है, हाँ हाँ किसी मैं का तो भी मान राष्ट्रीय चिंतन नहीं है। भाई कोई देश, भाई कोई समाज भी, में ये बताओ, भाई जो बातें 21 लक्ष्यों के साथ अपराध मुक्त भारत कह रहा है, क्या कोई भी राजनीतिक पार्टी या कोई राजनेता कहने का दुस्साहस कर रहा है क्या? कह नहीं सकता, क्योंकि उनको उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता ना। मैं प्रॉब्लम कहाँ था कि हर आदमी जुड़ा अपने स्वार्थ से। फिर आप अच्छे नेता नहीं है, देशवासी नहीं है, आप जो है ना राष्ट्रनीत नहीं है, राष्ट्रनेता नहीं है, आप दुष्ट जो है हाँ राजनेता हैं और हाँ सड़ांध वाली राजनीति कर रहे हैं। इन सभी दुष्ट राजनेताओं को अपने चरित्र पे लज्जा आना चाहिए। और ये पब्लिक को बेवकूफ बनाते रहते हैं, बस माइंड वॉश कर दिया। दुबे जी, आप क्या ये बात समझ पाए हैं कि क्राइम फ्री भारत ने एक ऐसा मॉडल लाया है कि जो अभी अपने आप को ठेकेदार मान रहे हैं, ये आपके ठेकेदार क्यों हैं? कोई गांव का मुखिया है, वो आपके वोट का ठेकेदार कैसे हो गया? क्या किया उसने आपके लिए? कुछ जो भी ये नहीं किया, पार्टियों के मठाधीश हैं, जो मान रहे हैं कि पर्टिकुलर जाति के जो है ना हमारे बंधुआ मजदूर हैं, वो इनके बंधुआ मजदूर क्या है? इन्होंने क्या कर दिया उनके लिए? भाई कुछ कुछ नहीं कर रहा, सब अपना उल्टू पीछा कर रही जितनी पार्टी है।
तो मैं वही कह रहा हूं कि नई व्यवस्था में ये देश बदलने वाला है, ये देश बदल जाएगा। आपको बदला हुआ देश चाहिए? मैथिली शरण गारंटी ले रहे हैं कि आप खड़े हो जाइए, और आप कह रहे हैं कि आपसे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा सा मुझे उसका विवरण दीजिए तो मैं, मुझे थोड़ा सा फायदा होगा। तो आपसे किस किस तरीके के लोग जुड़े हैं, और जुड़ने वाले लोगों का फैलाव क्या पूरे देश में है? क्या हम उनको देश की जिम्मेवारियां दे सकते हैं? क्योंकि ये ब्रह्म जी राष्ट्रीय लेवल का आदमी है, ये मोदी विचार मंच में ह्यूमन राइट्स में बहुत तेज नेता है, किन की बात कर रहे हैं आप? ये सूरज ब्रह्म राष्ट्रीय लेवल का आदमी है, ये भारत का सूरज है सूरज ब्रह्म। हाँ ब्रह्मे, ये आपसे मिल चुका बहुत पहले की बात है, ये मुझे बहुत याद पहले नहीं आ, आपने, मुझे याद नहीं आ रहा है कब मिला है मुझसे। आपको रिटायरमेंट में कितने साल हुए? बीस मैं 2020 में रिटायर हुआ हूँ, सितंबर में। मतलब अभी रिसेंटली रिटायर हुए आप, मतलब हाँ ये हाँ कम से कम 10-12 साल पहले की बात है, ये किसी काम को लेकर आते किसी मिनिस्टर के थ्रू आपसे बात हुई थी, मतलब अच्छा, तो मेरा जो काउंटेबल ऑल ये ओवर आपको इंडिया क्या, में। आपको क्या उन्होंने बताया था ये बात? नहीं, हाँ भाई ये मेरे देखो, मैं राजनीति में बहुत टाइम से मेरे हर जगह कांटेक्ट है, हर टाइप के आदमी से मेरे संबंध है। क्या आप, ये मैं आपसे एक सीधा क्वेश्चन पूछता हूं कि हाँ आप क्राइम फ्री भारत के 21 महापरिवर्तन के लक्ष्य, जिनके मॉडल बने हुए हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी बनी हुई है, जिनके कानून के ड्राफ्ट बने हुए हैं, हाँ 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 क्या आप उनसे सहमत हैं? क्या आप वैसा परिवर्तित भारत चाहते हैं? भाई मैं सैमसंग तभी से मैंने आपसे कांटेक्ट किया और इसकी बात कर रहा हूँ, नहीं होता तो बात ही खत्म हो गई थी, तो बात ही क्यों करता मैं आपसे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। क्या आपने वो 21 विधायें जो कि क्राइम फ्री भारत ने सोची हुई है, क्या उस तरफ आपका ध्यान गया है? है बिल्कुल, यदि भाई उस प्रकार से यदि वर्क होता तो बहुत ही बढ़िया है, बता रहे एक बहुत बड़ा परिवर्तन इस देश के अंदर आएगा, और पब्लिक चाहती है, मगर पब्लिक की मजबूरी है, पब्लिक पास विकल्प नहीं है आज। बिल्कुल ठीक है। तो क्या आपने जो है वो 21 बाह्य विधायें, जिसमें भारत के हर समुदाय और हर व्यक्ति को जोड़ा जाएगा, मैं थोड़ा सा अपनी ब्रीफिंग में उसे जोड़ना चाहूंगा, और आप उनको मैं एक बार दोहराना चाहूंगा, जिससे आपका भी रिवीजन हो जाए यदि आपने उसे जाना है। जो ये 21 बाह्य विधायें हैं, उसमें युवा व विद्यार्थियों को जोड़ना है, और इस काम के लिए हमें उनके स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर और हॉस्टल में जाना है। तो युवा और विद्यार्थियों को जोड़ने के लिए यदि आपके युवा साथी हो जिनमें आपने तो जोश बहुत बहुत हो, एक आपने मिनट बहुत मुझे बहुत मुझे मुझे कह लेने दो, अभी इसमें टुकना मत मुझे जरा, क्योंकि मैं पूरे 21 चीजों के बारे में आपका जो है ना ध्यान आकर्षित करूंगा, और फिर अपन चर्चा करेंगे। तो अभी मुझे कह लेने दीजिए, है ना? और समझ इसके गया। साथ साथ मेरी आपसे क्या अपेक्षा है वो भी कहते जाऊंगा मैं। तो मैं इसमें चाहता हूं कि आपके इस अनुभव के दौरान युवा साथी भी होंगे, हाँ सब हैं, विद्यार्थी भी होंगे, तो हाँ हाँ आप हाँ उनकी यदि हमें सूची बना पाएंगे, तो हाँ हाँ हम उनको उनके पदों की जिम्मेवारी देके लोगों को बहुत जल्दी जोड़ना चाहते हैं। तो मैं आपको एक तो पहले स्तर बता दूं, एक राष्ट्रीय स्तर हो गया, फिर राज्य का स्तर हो गया, फिर जो है डिवीजन हो गया, संभाग स्तर जिसको कहते हैं, फिर जिला स्तर हो गया, फिर दो पॉलिटिकल स्तर भी हमने रखे हैं, एक है सांसद क्षेत्र स्तर, विधायक क्षेत्र स्तर, फिर सब डिवीजन, फिर ब्लॉक, फिर शहर, फिर गांव, फिर पोलिंग बूथ। इतने स्तर हमने रखे हुए हैं सभी 21 विधाओं के लिए, और इसमें जो है हर स्तर के लिए 37 पद रखे हैं। तो एक प्रेसिडेंट है, 5 वाइस प्रेसिडेंट हैं, 10 जो है असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट हैं, और 21 लोगों की कार्यकारिणी समिति है, एग्जीक्यूटिव कमेटी है हर स्तर पे, राइट? हमने इसमें निर्णय लिया है कि हम अध्यक्ष किसी को नामित नहीं करेंगे, क्योंकि अध्यक्ष जो है बाय प्रमोशन आएगा अपने काम के आधार पर। जिसको हम जो भी जिम्मेवारी देंगे वो परिवेक्षाधीन जिम्मेवारी होगी, और ये परिवेक्षाधीन अवधि का पीरियड 2 महीने होगा। यदि उसमें उसमें ऊर्जा नहीं दिखी तो वो 2-2 महीने करके परिवेक्षाधीन अवधि बढ़ती जाएगी जब तक उसके कार्य में सुधार नहीं हो जाता है, राइट? तो मुझे इतने स्तर में यदि आप नाम वो करेंगे, और फिर उन लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करते हुए हम उनको पद बांटेंगे, तो वो कल से वहां जाके काम करने लगेंगे, राइट? जैसे मान लो गांव का स्कूल है,
तो गांव के पदाधिकारी गांव के स्कूल में चले जाएंगे, कस्बे के कस्बे में चले जाएंगे, सब डिवीजन के सब डिवीजन में चले जाएंगे, राइट। तो हम एक साथ चारों तरफ जो है ना हमारा जुलाव बढ़ जाएगा, राइट। फिर दूसरा जो है इसकी जो दूसरी विधा है वो है शिक्षकों की, और इसमें चिंतन ये है कि हमने हमेशा गुरु को महान माना है। यदि आप देखें तो गुरु गोविंद दौ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो मैं गोविंद तक नहीं पहुंच पाता, भगवान तक नहीं पहुंच पाता, तो पहले मैं गुरु को जो है ना प्रणाम करता हूं। इसलिए शिक्षा शिक्षकों की विधा है, यदि हम शिक्षकों का मंडल बनाएंगे तो ये शिक्षक जो है स्कूल में पहुंचने में मदद करेंगे, वो विद्यार्थियों से ज्यादा मदद कर पाएंगे, ठीक है ना। तीसरी इसकी शक्ति है मातृ शक्ति, नारी शक्ति। तो हमारी आबादी की 50% जो है आबादी वो नारी शक्ति है, और भगवान राम को भी रावण से लड़ने में माँ दुर्गा की आराधना करना पड़ी थी, और रावण को तभी मार पाए थे जब माँ दुर्गा राम के साथ लड़ी थी। इस बात पे बहुत प्रचार प्रसार नहीं किया गया, लेकिन ये बहुत हार्ड फैक्ट है, राइट। तो हमें मार शक्ति के अंदर जो माँ दुर्गा है उसको जागृत करना है, और ये मार दुर्गा इस इन राक्षसों का अब संहार करेंगी। तो तीसरी जो है विधा है नारी शक्ति। चौथा जो है व्यापारियों की विधा है, जिसमें उत्पादक भी होंगे, ट्रेडर्स भी होंगे, क्योंकि हर तरीके के व्यापारियों का एक अपना नेटवर्क बना हुआ है, लिहाजा हम हर नेटवर्क के अलग अलग भी इनकी सब विधाएं भी बना सकते हैं। व्यापारी को एक मानने की बजाय हम व्यापारियों को श्रेणीवाइज कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई सीमेंट को डील कर रहा है, कोई पेट्रोल प्रोडक्ट को डील कर रहा है, कोई जो है ग्रोसरी को डील कर रहा है, तो हम जो है व्यापारियों के सब ग्रुप बना के उनका जो ऑलरेडी नेटवर्क बना है उनको हम जोड़ सकते हैं, और व्यापारियों का बेहद दोहन हो रहा है। हमारी व्यवस्था में तो हमारे पास 20 गुना ज्यादा संसाधन होंगे तो हमें टैक्स की जरूरत क्यों है। तो दुबे जी, आने वाला भारत जो है वो, ओ आप पानी पी लीजिए जरा, आप कंफर्टेबल हैं? हाँ कंफर्टेबल हूँ मतलब। अच्छा ठीक है, तो मेरा कहना है कि व्यापारियों को चारों तरफ से घेरा जाता है, नए नए अजीब अजीब तरीके के टैक्स लगाए जाते हैं, उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड टैक्स मॉड्यूल बना दिया जाए जिसमें आदमी समझ नहीं पा रहा है, गलतियां हो रही हैं, उस पर छापे मारे जा रहे हैं, उसको चोर घोषित किया जा रहा है, व्यक्तिगत स्तर पे पारिवारिक स्तर पे उसकी सुनवाई नहीं हो रही है, उसकी संपत्तियों पे ये दुष्ट लोग जो है अनधिकृत कब्जा कर रहे हैं, बहु बेटियों को छेड़ा जा रहा है, और हमारी दुष्ट प्रशासनिक व्यवस्था में विधिक जिम्मेवारी होने के बाद भी उसका संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। लिहाजा व्यापारियों के हमें न केवल ग्रुप बल्कि हमें सब ग्रुप भी पैदा करना है, तो इसमें आप जैसे सुझाव देंगे वैसे सब ग्रुप भी बनाते जाएंगे। ऐसे ही सैनिक सेनानियों का भी ग्रुप बनाना है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो ये लोग जो है कर्मठ होते हैं, जुझारू होते हैं, इन लोगों को जो है जल्दी से, बहुत सारे लोग रिटायर हो जाते हैं, कम एज पे रिटायर हो जाते हैं, तो इनमें ऊर्जा रहती है, हम इस ऊर्जा के लिए इन लोगों को जोड़ेंगे तो बहुत आसानी होगी। आज की व्यवस्था टैक्सी, ऑटो रिक्शा, हाथ ठेले वाला, ट्रक वाला सभी का शोषण कर रहा है, बेचारों को जो है चीजें छुड़ा ली जाती हैं उनसे, अनधिकृत जो उनका जो है ट्रक रोक लिया जाता है, उनको चालान कर दिए जाते हैं, धन की वसूली की जाती है। इस सब चीजों से इनको बचाने के लिए हम टैक्सी, ऑटो रिक्शा, हाथ ठेला, ट्रक वाले, इन लोगों को शोषण मुक्त व्यवस्था देने के लिए अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। पंच और सरपंच जो कि आज की व्यवस्था के ये भी शोषित हैं, हालांकि ये भी वर्तमान उसमें खूब पैसा बना रहे हैं, लेकिन ये शोषित भी, जो अच्छा पंच सरपंच है इनकी झूठी घटिया जो है ना योजनाओं के कारण, आप मुझे बताइए नरेगा वगैरह में जो इन्होंने योजनाएं बनाई हैं उसमें एक भी मजदूर काम नहीं करता है, सब काम जेसीबी वगैरह करती है, और ये झूठे जो है ना उनके रोल बनाना, मास्टर रोल, मास्टर रोल बनाना पड़ते हैं, और
किसी की भी जांच कर लो, जिसको चाहो उसको जेल भेज दो, ये दुष्ट व्यवस्था इन पंच सरपंचों के ऊपर क्यों थोपी गई है? पाषाण तो योजना का पैसा खा जाते हैं ये लोग। मैं खा जाते हैं, और ये तो चाहते हैं, वो व्यवस्था इतनी दुष्ट है कि यदि आप इनके साथ नहीं चलोगे, इनकी दुष्टता का हिस्सा नहीं बनोगे, फंसा तो देंगे हाँ आपको ये बर्खास्त करा देंगे, आपको जेल, आपके ऊपर फर्जी हाँ 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 मुकदमा कायम करके आपको हाँ जेल भेज देंगे। वो हुआ ना, देख रहा हूँ हुआ ना। आठवीं जो विधा है वो राजनीतिक पार्टियों के कार्यकर्ताओं की है। मेरा हाँ। मानना है सभी राजनीतिक पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं का दोहन कर रही हैं, उनका सही है शोषण कर रही हैं, भाई, उनके ऊपर, अपने ही कार्यकर्ताओं के ऊपर झूठे मुकदमे कायम कराकर उन्हें दबाव में रख के अपने चरण सेवक बनाई हुई है। भाई वहां भी टांग खींचने वाला माहौल है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो जो बेचारे कार्यकर्ता वर्षों से इनकी दरी बिछा रहे हैं, इनकी कुर्सियां लगा रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, घर घर जाके जो है वोटर्स को निकाल रहे हैं, पोलिंग बूथ पर ड्यूटी दे रहे हैं, ये दुष्ट लोग जो है ना उन्हें सम्मान भी नहीं देते हैं, और टिकट तो बिल्कुल देते ही नहीं है। टिकट तो इन्हें अपराधी, दुष्ट, दुष्चरित्र अपराधी लोगों को ही देना होता है। भाई टिकट बिकती है, टिकट बिकती है, जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको टिकट दी जाएगी। तो एक दाव है, आप हार जाओ तो ठीक है, जीत जाओ तो ठीक है। बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा। तो और वो भी करोड़ों में, करोड़ों में, लाखों में नहीं, करोड़ों में बिकती है। अभी केजरीवाल जो है केजरीवाल ने 1.5 करोड़ रुपए लिया था, कौन सा दूध का घोड़ा है, हमारे पास तो प्रूफ है सब पार्षद उसका। के लिए 1.5 करोड़ रुपए लिया और उनके ओरिजिनल पेपर रखवा लिए, आप और देखिए एक बड़ा व्यक्ति आदमी, को जो पेपर वापस नहीं मिले और वो कहीं दूसरे, और उसको टिकट भी नहीं दिया, तो उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। आपको नहीं लगता है केजरीवाल के विरुद्ध जो है ना उसकी आत्महत्या के लिए केस रजिस्टर करके जेल भेजा जाना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। आप देखिए शराब नीति भी पूरी चेंज कर दी, क्यों बनाई इनने, इसका फायदा किसको दिलवाया, क्यों? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो नौवीं विधा है पत्रकारों की विधा। आज पत्रकार जो है अपना पेट पालने वाले जीव हो गए हैं, उनकी कलम की ताकत को जो है ना इनने कब्जा कर लिया है। भाई जब खरीद लिया इनने, आज मोदी जी ने क्या करा है, 90% मीडिया बिका हुआ है। तो हमें पत्रकारों का संगठन, पत्रकारों को दोबारा जीवित करना है, हाँ अपने पेट पालने के लिए जो उन्हें करना हो करता रहे, लेकिन क्राइम फ्री भारत मिशन से भी जुड़ जाए और लोगों तक पहुंचने में हमें मदद करे। हाँ है मैं हूँ। दसवीं विधा है किसानों की। किसानों हाँ। को आजकल इतना वो कर दिया है हरित क्रांति के नाम पर, जो रासायनिक विष, फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के रूप में दिया गया है, उससे हमारा मिट्टी मृत प्राय हो गई है। उसमें जो बिल्कुल लाभदायक जीवाणु थे वो मर खत्म हो गए गए, हैं। खत्म हो गए। हाँ, और उसकी जो मिट्टी की परत जो है वो कड़ी हो गई है, और कार्बन कंटेंट घट के जो पहले 0.9 हुआ करता था, अब वो घट के 0.05 और 1 हो गया है। इतनी दुष्ट व्यवस्था इन्होंने कर दी है। भाई और ये किसान सब किसान किसान कर्ज लेने के लिए मजबूर है, किसानों को आत्महत्या करना पड़ रही है। नई व्यवस्था में क्राइम फ्री भारत का जो एग्रो मॉडल है उसके तहत ये रासायनिक विष मुक्त हो जाएगा। सब जगह जो है जीवा अमृत, घन अमृत, केंचुए, और एक नई टेक्नोलॉजी आई है माइक्रोब्स की, उसके माध्यम से हम 1 साल के अंदर किसी भी रासायनिक विष का उपयोग नहीं करते हुए भी अपनी मिट्टी को पुनः जीवित कर लेंगे। इस आप एग्रो देखिए मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना और मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ेगी, लिहाजा सभी किसानों को जोड़ना है। मैं अपने किसान बंधुओं से कहना चाहता हूं, अब बहुत हो गया है, इन दुष्टों के प्रति आप कोई जो है ना आंदोलन मत करिए, क्योंकि ये दुष्ट और मोटी खाल के लोग हैं, अपनी बेइज्जती क्यों कराना है? यदि जितनी ऊर्जा आप जंतर मंतर पे लगा रहे हैं, उतना ऊर्जा जो है अपने सभी लोगों को अपराध मुक्त भारत से जोड़ने में लगा देंगे, तो 2024 में मैं आपकी आमदनी 5 गुना बढ़ा दूंगा। ये मॉडल क्राइम फ्री भारत ने ऑलरेडी डेवलप किया हुआ है, 5 गुना, ये तो 2 गुना भी नहीं करने की औकात नहीं रखते हैं, राइट? भाई आप देखिएगा, कोई भी पार्टी व्यापार का दर्जा क्यों नहीं देती कृषि को, क्यों नहीं देती है? हमने कई बार लिखा भी है, कहा भी है, पर तैयार क्यों नहीं होते ये? बहुत सही कह रहे हैं आप, बहुत सही कह रहे हैं। तो 11वीं विधा है मजदूरों की। तो मजदूर जो है ना शोषित है, ये नया परिवर्तित जो भारत है उसमें मजदूरों की दशा पूरी तरह से बदल जाएगी। वो स्लम एरिया में नहीं रहेंगे, वो डिजाइनर हाउस में रहेंगे, और इस काम के लिए उन्हें किसी से ऋण नहीं लेना होगा, उन्हें पीएम आवास योजना की जरूरत नहीं होगी। क्राइम फ्री भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर
आर्किटेक्ट उनके पास जाएगा और उससे कहेगा कि आपकी बढ़ी हुई आमदनी इतनी होने वाली है, आप इनमें से कौन सा घर लेना, कौन सा घर पसंद करेंगे, और उसके हिसाब से वो घर को बना दिया जाएगा। ऐसी ऐसा जो है ना मजदूरों का कल्याण होगा, गरीब नारायणों का कंडा कल्याण होगा, भारत में कोई भी व्यक्ति स्लम एरिया में नहीं रहेगा, हाँ जी, राइट। तो 12वीं में जो है गरीब नारायण है और 13वीं विधा में वरिष्ठ नागरिक है। आज ये बताइए, वरिष्ठ नागरिक जो कि शीर्ष पदों पर रहे हैं, आज जो है रिटायरमेंट के बाद उनकी स्थिति फ्यूज बल्ब जैसी हो गई है, राइट। सही है। उनके बच्चे बड़े बड़े बस्तों लेके और उसको लेके बच्चे के नाती परनाती बिजी हैं उनके पास, और मोबाइल में भी बिजी हो गए हैं। अब उन्हें अपने दादा नाना और परदादा और परनाना के लिए समय नहीं रह गया है। भाई वो उपेक्षित महसूस करते हैं परिवार में अपने आप को। मैं वही कह रहा हूं, लिहाजा वरिष्ठ नागरिक जो हमेशा चाहेंगे कि उनके बच्चों के लिए अच्छा भारत बने, वरिष्ठ नागरिकों को जोड़ना है तो 13वीं विधा वरिष्ठ नागरिकों की है, 4थी विधा समाज सेवी संगठनों की। देखिए, भारत में हमारे डीएनए में, हमारे खून में है दान करना, कल्याण करना। तो हर व्यक्ति चाहे कितना गरीब हो, बल्कि गरीब व्यक्ति ज्यादा करता है, गरीब व्यक्ति तो इतना महान है कि उसका पेट भूखा है, उसके पास एक रोटी है, वो अपनी आधी रोटी दूसरे व्यक्ति को देने के लिए तैयार है। जबकि ये दुष्ट जो है ना, धनी लोग, ये ऐसा नहीं करते हैं। तो जो समाज सेवी, छीन के खा लेंगे और। बिल्कुल ठीक बात है, तो जो समाज सेवी संगठन है, जो भी वो काम कर रहे हैं, वो अपना काम करता रहे, हम उनकी सराहना भी करते हैं और हम चाहते हैं कि वो सब लोग क्राइम फ्री भारत में जुड़ जाएं। इतने वर्षों में जो उनका संगठन बना हुआ है, जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, उनके साथ वो जुड़े और सामाजिक संगठन के पूरी जो स्तर हैं, जितने हमने आपको बताए हैं, उन स्तर में 37-37 लोगों को जो है ना करना है, इस प्रकार समाज सेवी संगठनों को 4थी विधा के तहत जोड़ेंगे। 15वीं विधा है वकीलों की। तो जो है, क्योंकि गुलामी के सब नियम कानून बदलना है, हालांकि ये वकील जो है इसी नियम के आदी हैं, लिहाजा इसमें वकीलों को जोड़ा जाएगा, क्योंकि वकील जो है धन वर्षा में वकीलों को भी बहुत धन मिलने वाला है, राइट। क्राइम फ्री वर्षा भारत को यदि हम धन वर्षा भारत भी कहें तो कोई बुरी बात नहीं है, उसमें सभी लोगों के ऊपर धन की वर्षा की जाएगी, जिसमें वकीलों पे भी धन की वर्षा होगी। मेरा ये मानना है कि जो नए कानून बनाने में हम जो बैठे हुए वकील हैं उनका उपयोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्तमान व्यवस्था उनके दिमाग में और खून में घुस गई है, बेईमानी भी उनके दिमाग में घुस गई है। कई बार उनके कारण जो है, जो समझौते हो सकते हैं, जो निर्णय हो सकते हैं, ये दुष्ट नहीं होने देते हैं। लिहाजा इसमें जो बकाल जो लॉ का अध्ययन करने वाले बच्चे हैं, उनको गाइडलाइन देके नए कानूनों का निर्माण किया जाएगा, चाणक्य उस पर बहस करेंगे और उसको जमीन पर उतारा जाएगा। तो हमें वकीलों को भी जोड़ना है, क्योंकि हमें बड़े स्तर पर नियम कानून और उसमें बदलाव करना है, और साथ में वकीलों पर भी धन की वर्षा होगी, लिहाजा वकीलों को भी जोड़ना है। इसी प्रकार इंजीनियरों को जोड़ना है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल में इंजीनियर्स को नए टूल्स, नए इक्विपमेंट, नए तरीके इजाद करना है। भारत विश्व की बिगेस्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनेगा, और इनके जो आर्किटेक्ट वगैरह हैं वो जाके गरीबों के जो है ना घर बनाएंगे, और गरीबों से उस समय कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, उनके कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट में वो डेबिट होता जाएगा, और उनकी आमदनी बढ़ाकर धीरे धीरे वो पट जाएगा। वो कुछ चंद महीनों में ही अच्छे घरों में रह पाएंगे। परिवर्तित भारत में 2024 के अंत तक मैं सभी स्लमवासी और मजदूरों को भरोसा दिलाता हूं कि उनके अपने घर होंगे, और वो भी डिजाइनर हाउस वाले घर होंगे। लिहाजा हमें इंजीनियर्स को जोड़ना है। अभी की जो पद्धति है वो इलाज की पद्धति, वो घटिया है मेरे मन में। एलोपैथी इज ए साइंस ऑफ इमरजेंसी ओनली। हाँ करेक्ट, हमें हंड्रेड हमें परसेंट नेचुरोपैथी, होम्योपैथी, योगा, इन सब का इंटीग्रेटेड मॉडल के हिसाब से सभी लोग ह्यूमैनिटी की सेवा में काम करेंगे। जिस स्टेज पर जिसका प्राइमरी रोल है वो प्राइमरी करेगा, जिसका सेकेंडरी रोल है वो सेकेंडरी करेगा, और वो जिसका टर्सरी रोल है वो टर्सरी करेगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर डिजाइन करके हाँ जी एक ऐसी व्यवस्था पैदा की जाएगी जिसमें हर भारतीय का जो है हर साल मेडिकल चेकअप भी होगा, और हाँ
उसका नाड़ी के आधार पर भी उसका जो होगा, तो जैसे बीपी के इक्विपमेंट बने हैं ऐसे नाड़ी कर वाचक नाड़ी को पढ़ने वाले बन जाएंगे, और इसके पहले के गड़बड़ी जो है ना परिलक्षित हो, हम उसे बात पित्त कफ लेवल पर ही पकड़ के पूरे हाँ देश को निरोगी और दीर्घायु बना देंगे। सही है। तो इस काम के लिए हमें सभी पैथियों के योगा टीचर डॉक्टर्स को जोड़ना होगा, राइट। फिर 18वीं जो विधा है जिसमें वैज्ञानिक है, आने वाला समय बहुत बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का समय होगा, वैदिक ज्ञान का उपयोग करते हुए, क्योंकि जो न्यूटन वगैरह जो कुछ भी है ये सब जो है वेदों में पहले ही लिखा हुआ है, तो ये कोई न्यूटन्स के लॉ नहीं है। मैं तो नाम भूल रहा हूँ उस ऋषि का नाम जिसके वो हमने वो सूत्र भी पढ़े हुए हैं जिसमें न्यूटन्स का पहला लॉ, दूसरा लॉ, तीसरा लॉ सब है उसमें। ये तो सब इंडिया से लेके गए हैं ये लोग, ये सब इंडिया से लेके गए, ये सब मैं ये कह रहा हूं हम लोग कितने मूर्ख हैं कि हमारे जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री को डीलिट की डिग्री दी जाती है, वो भी मानद डिग्री, और ये जाके 45 मिनट तक जो है ना अंग्रेजों का गुणगान करते कि यदि तुम नहीं होते तो हम तो बेकार थे। तो हमें अपने उस पे वही नहीं है, अब हमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट के माध्यम से उन सब चीजों को जो हमारे ऋषियों ने देख पाया है, और उनको देखने के लिए हमें कॉस्मिक और दिव्य चक्षु चाहिए जो हमारे पास है नहीं, लिहाजा हम उसको देखने का तरीका साइंस के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के आधार पर निकालेंगे। 19वीं विधा है अर्थशास्त्री एवं चार्टर अकाउंटेंट, क्योंकि हमें कर विहीन व्यवस्था लाना है और हमारे पास विकास के लिए धन की वर्षा चारों तरफ से होने वाली है, लिहाजा हमारे पास 20 गुना ज्यादा धन होगा। जब हमारे पास 20 गुना ज्यादा धन होगा विकास के लिए, तब अपने देशवासियों को हम टैक्स क्यों करें, लिहाजा भारत जो है 2025 तक, 25 के शुरू में नहीं तो 25 के अंत तक टैक्स फ्री हो जाएगा। हाँ 20वीं विधा है कि साधु संतुओं को जोड़ने की, हमारे साधु संत का जो है को तभी मोक्ष मिलता है जब वो जन कल्याण करते हैं। अब समय आ गया है कि सभी साधु संतुओं को जोड़ के और उनको जगह जगह भेज के लोगों को जागृत करके जोड़ा जाए, इसके लिए 20वीं विधा साधु संत जिसके सत ज्ञान के प्रचार के माध्यम से लोगों को जागृत करके जोड़ने में साधु संत भी हमारी मदद करेंगे। और 21वीं विधा है धर्म स्थल या भीड़ भाड़ वाली जगह की विधा, इसमें ऐसी जगह जहां पर कि सामान्य के कोर्स में लोग इकट्ठे होते हैं उसका एक स्पेशल मॉड्यूल वहां बनाया जाए कि वो जाके लोगों को जब वो अपने दर्शन दर्शन करके आ जाते हैं तो इन चीजों से भी उन्हें वाकिफ बनाए और उनको जोड़े। कोई मनोरंजन का शो होता है, कोई क्रिकेट का शो होता है, वहां पे भी इस विधा के लोग जाएंगे, आते जाते उनको इंटरेक्ट करके उनको जोड़ेंगे। इस प्रकार इन 21 विधाओं से आप ये बात मानेंगे कि ऐसा कोई भी समुदाय कोई भी वर्ग नहीं छूटा है जिसको हमने नहीं समेटा है। हाँ सब सब कवर कर लिया आपने। और जो है इतने स्तरों पर जब हम 37 37 पद बांटेंगे और उनको हम प्रोएक्टिवली कहीं भेज के जब ये काम करेंगे तो इस काम में हम चंद दिनों में 100 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएंगे, चंद दिनों में, चंद दिनों में। हाँ नेटवर्क बन जाएगा अपना, अभी सही कल बात मुझसे है। कोई पूछ रहा था कि सर आपके तो 3 4 महीने हो गए हैं तो अभी तक आप 100 करोड़ क्यों नहीं हुए हैं, तो मैंने उनसे एक काउंटर क्वेश्चन किया, बेटे ये बताओ 100 मीटर की दौड़ हो, केवल 100 मीटर की, और यदि आप अपनी जगह पे ना हिलें तो कितने वर्ष में आप 100 मीटर पहुंच जाएंगे, कितने वर्षों में, 1000 वर्ष भी, 10,000 वर्ष भी कम पड़ जाएंगे। सही बात है। तो अभी स्थिति वही हो रही है कि जो दुष्ट लोग जुड़े हुए हैं वो उन पे दुष्टता सवार है, वो ऐप नहीं खोल रहे हैं, वो हमारे वीडियो ऑडियो नहीं सुन रहे हैं, तो इस दुष्टता के साथ तो 1000ों वर्ष लग जाएंगे, सही बात है, लग जाएंगे कि नहीं लग जाएंगे। सही है। लेकिन यदि सब लोग जागृत होके मात्र 10 लोगों को जोड़ के सकल शपथ के साथ जोड़ें तो अगले 5 दिन में ये चमत्कार हो जाएगा। अगले 5 दिन में चमत्कार करना चाहते हैं तो पूरी श्रद्धा के साथ बढ़ जाइए, आप जितने अच्छे लोगों को जानते हैं उनकी सूची बनाइए, मुझसे शेयर करिए, वीडियो कॉन्फ्रेंस में उनसे बात करेंगे, उनको जोड़ेंगे और उनको जिम्मेवारियां बांटेंगे और उनसे काम करना चालू कर दिया जाएगा, पूरा जो है ना परिदृश्य बदल जाएगा। आप ये सही बात है। बताइए इस दुष्ट कांग्रेस ने पहली बार किसको टिकट दिए, राजाओं को, महाराजाओं को, जमींदारों को, जो शोषण कर रहे थे, कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे, बिल्कुल सही है। आज उनके बच्चे ही को टिकट दिया जा रहा है, तो शोषण मुक्त कैसे हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ पॉसिबल नहीं है, करेक्ट। तो
तो जो ये हमारे बोर्ड के ठेकेदार बने हैं, जो 2 23 जून को पटना में इकट्ठे हुए हैं, या जो जमींदार और जो गांव के तबके वाले सोचते हैं कि हम जो है ना बोर्ड के ठेकेदार हैं, ये हमारे बोर्ड के ठेकेदार क्यों होना चाहिए? सही है। इनकी नीचे की भीड़ जो है ना क्राइम फ्री भारत में पहुंच जाएगी तो ये मठाधीश जो है ना झंडन डंडन करते रहेंगे, सही इनकी कोई बात है। औकात नहीं होगी। होगी इनकी कोई औकात? सवाल ही कैसे होगी। तो फिर इनकी चिंता क्यों पड़े? ये सभी राजनेता इन्हीं 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 दुष्टों को जो है ना पाल रहे हैं। पाल रहे हैं कि नहीं पाल रहे हैं? कि भैया हाँ मैं तुमको सल्यूट करता हूं, तुम मुझे वोट दिला देना। तो हाँ 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 ना राजनेताओं की औकात है, सर दुष्ट और महादुष्ट हैं। अब ये महापरिवर्तन आ गया है, ये अपराध मुक्त भारत का शंखनाद है, इस परिवर्तन को कोई नहीं रोक सकता है। सही है। नहीं, तो दुबे आपके विचार बहुत अच्छे लगे मेरे को। अच्छा आप ये बताइए, मतलब मेरे को आपका व्हाट्सएप नंबर भी है ना, हाँ, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है। तो मेरे को क्या इसके व्हाट्सएप नंबर आपके आधार कार्ड से भेजा है आपके आपके पास। आप जो है मुझे, अब मैं आपको फिर से समझाता हूँ, हाँ आप जो जो जिम्मेवारियां निभा सकते हैं, राइट? भाई देखिए, मैं मेरे कॉन्टेक्ट तो बहुत हैं, ऑल नहीं इंडिया में नहीं खाली। 21 विधा में आप एक से ज्यादा विधा में अपना रोल अदा करना चाहते हैं क्या? हमने आपको 21 विधाएं पढ़ के सुनाई हैं अभी। हाँ भाई मेरा सबसे कॉन्टेक्ट है, पुलिस वाले भी है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी, टीचर भी, पंडित भी है। तो देखिए हम आपको मुख्य क्राइम फ्री भारत का एक ओहदा देना चाहेंगे, आप राज्य स्तर का ओहदा लेंगे। नहीं, देखिए मतलब क्या कि मैं पार्टी में, मेरे को जरा से मेरी उम्र है नहीं नहीं पचपन ये तो साल पार्टी नहीं है, तो मिशन है। नहीं, मिशन समझ गया। तो मैं क्या कि उतना लोड ले नहीं पाऊंगा, पार्टी में मेरे से बोल रहे थे आपको रख ले रहे हैं। मैंने कहा भाई देखो, रखने में रख लो, देखो, मेरा तो मेरा ये लोग तो। कहना है हाँ कि यदि हम आपको कोई पद देंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंस में हम आपसे पूछ पाएंगे कि मिस्टर दुबे, आपने पिछले 24 घंटे में क्या किया है। यदि हमने आपको पद से नहीं बांधा तो आप कहेंगे गो टू हेल, राइट? तो चूंकि ये कम समय में काम करना है, लिहाजा हम आपको पद बंधन में बांधना चाहेंगे। नहीं, वो मानसिक मतलब मैं क्या, तो उपाध्यक्ष बना दीजिए समझिए, तो मैं आपको और अध्यक्ष क्राइम फ्री भारत का राज्य स्तर का जो है उपाध्यक्ष घोषित करता हूं, अरे नहीं भाई, मैं तो आप लोड चाहो नहीं तो ले आपको पाऊंगा। राष्ट्रीय स्तर का भी उपाध्यक्ष घोषित कर नहीं नहीं सकता हूं। नहीं 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 मैं बता, मैं आपको आदमी दूंगा, नहीं मैं नहीं आपको आप बैठ ये लूंगा। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपकी रीच जो है राष्ट्र स्तर की है तो हम नहीं आपको राष्ट्र स्तर का भी उपाध्यक्ष घोषित कर भाई सकता हूं। खुशी की बात है, मगर क्या देखिए पार्टी में मेरे को ऑफर दे रहे, मगर मेरी एज फैक्टर है ना, मैं उतना लोड नहीं ले पाऊंगा। अब ले लिया, काम नहीं करा, मतलब देखिए, क्या है। परिवर्तित भारत के लिए आप लोड क्यों नहीं ले पाएंगे? क्यों नहीं ले पाएंगे आप लोड? आपकी नहीं देश के नहीं प्रति कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, है, आपके अपने मतलब प्रति और अपने बच्चों के लिए कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। भाई मेरे बच्चे आप हैं, इन मुझे दुष्ट नहीं, लोगों के हवाले ही अपनी आगे वाली जनरेशन को सौंप के जाओगे, तो क्यों बिजी हैं आप? छोड़ दीजिए सब चीज को। अभी बहुत सारे लोग हमसे कह रहे हैं कि हम नौकरी छोड़ देंगे। आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ, मतलब क्या भाई वो तो ऊपर वाले की कृपा, मैं फिजिकली मेंटली फिट हूँ, मतलब आप मेरे से मिलेंगे तो आप विश्वास भी करेंगे आपकी इसी ऊपर हो गई है। फिट हूँ मैं, एक्टिव हूँ मैं, और मैं मेरी हेल्थ का राज यही है, मैं एक्टिव हूँ और सही काम करता हूँ मैं। तो दुबे जी, मैं आपको अभी शुरू में मध्य प्रदेश राज्य स्तर का क्राइम अरे नहीं फ्री भाई, भारत का उपाध्यक्ष नहीं घोषित करता हूं। अरे अरे नहीं भाई, आपने जिले का उपाध्यक्ष बना दीजिए, अध्यक्ष के लिए अच्छा मैं चलिए, आपको, ओके ओके, हम आपको देखिए, मैं अध्यक्ष जो आपको, अध्यक्ष का पद जो है वो हाँ बाद में मिलेगा, तो आप जो है नरसिंहपुर जिले के उपाध्यक्ष बनना चाहते हैं? हाँ हाँ मैं ओके, आपको और आदमी दूंगा ऑल इंडिया में, और बहुत कांटेक्ट है भाई, बहुत कांटेक्ट है, हर बहुत फील्ड के सुंदर, आदमी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अरे मैं तो आपको नाम दूंगा, आपको आप जो मुझसे है कर लीजिए। 1 मिनट, आपको करना क्या क्या है वो मुझे पहले बता दीजिए। हाँ आपको हमें व्हाट्सएप पे अपनी सहमति भेजना है कि आपसे चर्चा हुई, आपने हाँ मुझे जिले का उपाध्यक्ष, नरसिंहपुर जिले का उपाध्यक्ष जो है ना घोषित करने का जो है ना वो किया है, हाँ राइट? हाँ मैं हाँ इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ, नंबर हाँ वन। पहले यू हैव टू एक्सेप्ट इट, नंबर वन। हाँ हाँ नंबर टू, आपको कहना है कि मैं पूरी ऊर्जा और कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ जो भी सहयोग मेरी शक्ति में संभव है वो मैं आपको दूंगा, नंबर टू, राइट? फिर इसके बाद आपको जो है ना 3 डॉक्यूमेंट भेजना है, एक आधार कार्ड भेजना है, हाँ एक अपना आईडी कार्ड भेजना है, और वोटर आईडी कार्ड, और तीसरा आपको क्राइम फ्री भारत मिशन से जो आप जुड़े हैं उसके हाँ प्रोफाइल आईडी में जाकर जो उसमें आपका आईडी कार्ड है उस हाँ आईडी हाँ कार्ड की भी कॉपी भेजना है, और हाँ आपको जो है अपना पोलिंग बूथ का नंबर यदि मालूम है तो वो, और अपना पिन कोड नंबर जो पोस्टल पिन हाँ कोड नंबर है, इतनी चीजें आप भेजेंगे, और फिर मुझे फोन कर देना कि मैंने भेज दिए हैं, मैं आपको तत्काल जो है उसमें कर दूंगा। हाँ लिंक आपने भेजी। अच्छा लिंक खोलने के लिए क्या करना पड़ेगा, अरे टच करने से लिंक खुल देखिए, जाएगी। मैं फिर से रिपीट करता हूं,
पहले आपको अपनी सहमति भेजना है कि चर्चा के अनुसार आपने मुझे नरसिंहपुर जिला का क्राइम फ्री भारत का उपाध्यक्ष का पद जो है ना देने की पेशकश की है, मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। राइट, मतलब आपने उसे एक्सेप्ट किया है, हमने जो ऑफर दिया उसे आपने एक्सेप्ट कर लिया, नंबर वन। नंबर टू, आपको कहना है कि मुझे अपनी पूरी ऊर्जा और कमिटमेंट और डेडिकेशन के साथ हम में जितनी भी शक्ति है उस शक्ति से मैं अपने ड्यूटी को निर्वहन करने की कोशिश करूंगा, नंबर टू। राइट, ये हो गया आपका अपना खुद के हाथ से लिखा हुआ एक कमिटमेंट, एक कमिटमेंट, ठीक है ना। फिर दूसरा, आपको अपना आधार कार्ड भेजना है, देन आपको अपना वोटर आइडेंटिटी कार्ड भेजना है, और तीसरा आपको क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप के माध्यम से यदि जुड़ गए हैं तो उसकी प्रोफाइल आईडी में जाकर उसे डाउनलोड करके, और जैसे ही आप उसे डाउनलोड करेंगे तो फोटो गैलरी में वो डाउनलोड हो जाएगा, उसे भी आपको शेयर करना है, जिससे मुझे आपकी, क्योंकि हम आपको पद तभी दे पाएंगे जब आप हमारे क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप के सदस्य होंगे। राइट, तो आपको जो है ना क्राइम फ्री भारत की आपकी आइडेंटिटी कार्ड नंबर क्या है जी? आप क्राइम फ्री भारत मिशन से ऐप से जुड़ गए हैं ना? नहीं, तो उससे जुड़ना जरूरी है। तो आप सबसे पहले तो आपको जो लिंक भेजी गई है उसके माध्यम से आप जुड़ जाइए, ठीक है ना। और इसके बाद जुड़ने के बाद फिर दुबे साहब हम आपसे बड़े विस्तार में बात करेंगे और आगे की कार्रवाइयों में क्या क्या करना है वो आपको समझाएंगे। एक काम जो आप बार बार कह रहे हैं कि आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं, तो आप एक या दो दिन में जो है उनकी सूची बना लीजिए, हर स्तर की, दूसरे प्रदेश के हैं तो उनकी भी बना लीजिए, और आपके हिसाब से उन्हें क्या जिम्मेवारी दी जा सकती है वो भी उसके आगे लिख दीजिए। और तीसरे, उसमें आप उनसे बातचीत यदि कर सकते हो तो उनसे उनसे बातचीत करके यदि उनकी सहमति ले लेंगे या आप हमें कॉन्फ्रेंस कॉल में लेके उनसे बात कराएंगे तो हमारी इस गति बढ़ जाएगी। अभी हमारे पास समय एक सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है। यदि हमने थोड़ी सी ऊर्जा के साथ इस अपने और इस नीत के साथ यदि हमने काम कर लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं दिसंबर के महीने में हमारे उभरते हुए चंद्रगुप्त, क्योंकि चंद्रगुप्त तो कोई कह नहीं सकता है कि मैं चंद्रगुप्त हूं, ये तो जब जो है मध्य प्रदेश का चुनाव घोषित होगा उस दिन जो मेरिट लिस्ट बनेगी ऊपर के 230 लाख चंद्रगुप्त होंगे। तो आज क्या कोई कह सकता है कि मैं चंद्रगुप्त हूं? कोई नहीं कह सकता है। राइट, तो जो उभरते हुए चंद्रगुप्त हैं वो इन दुष्ट राजनेताओं को, जो दो दो तीन तीन चार चार बार के विधायक सांसद मंत्री और मुख्यमंत्री हैं, मैं गारंटी से कह रहा हूं मतदान के पहले वो अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश हो जाएंगे, मतदान के पहले। सही है, जागृति आ गई लोगों में तो अपने आप होगा वो। हाँ, क्योंकि जब जो है सभी सदस्य सत पे चढ़ के थाली बजाकर दीपक जला के कहेंगे कि के दुबे मेरे चंद्रगुप्त हैं और मैं उन्हें संकल्प के साथ विजयी बनाऊंगा, तो किस किस नेता की औकात है? वो तो जो है ना प्रचार करना भूल जाएंगे, वो तो आम सभाएं लेना भूल जाएंगे, वो तो टीवी शो में जाना भूल जाएंगे। भूल जाएंगे कि नहीं भूल जाएंगे? सही है, सही है आपकी बात। उनका मनोबल नीचे गिर जाएगा। बहुत सारे लोग मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार कर लेंगे और जो हेकड़ी में नहीं स्वीकार करेगा वो मन, उनका मन जानता होगा कि वो हारने वाले हैं। वो हेकड़ी में जो भी कहते रहे लेकिन उनके मन को पक्का मालूम है कि मुझे कोई नहीं जिता सकता है, भगवान भी नहीं जिता सकते हैं। सही बात है, ठीक है ना। तो दुबे साहब, यदि आप अपना, अच्छा ये बताइए, आप देशवासियों को, मध्य प्रदेश वासियों को, अपने नरसिंहपुर जिला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे मुझसे वार्तालाप के बाद? भाई मेरा संदेश है कि देखिए देखिएगा, इस देश में परिवर्तन बहुत जरूरी है जी। आज की जो वर्तमान परिस्थितियां उस हिसाब से देखिएगा, कानून का राज तो बिल्कुल है नहीं, ये व्यक्तिवादी राज चल रहा है जो कि गलत है। हर आदमी परेशान है, आज देखिएगा किस प्रकार से आदमी का शोषण हो रहा है, उसकी फंडामेंटल राइट उसके खत्म हो चुके हैं। तो ये सब चीजों के लिए क्या है कि परिवर्तन बहुत जरूरी है और पब्लिक भी चाह रही है परिवर्तन, इस बार परिवर्तन होगा। अब क्राइम फ्री भारत ऐसा मॉडल ही लेके आया कि परिवर्तन अपने आप उतर जाएगा। अभी तो हमारी डिपेंडेंसी इन्हीं दुष्टों के ऊपर थी, इन्हीं फ्रॉड लोगों के ऊपर थी, जो हमारे ठेकेदार बने हुए हैं, जो खुद नौमी फेल हैं, वो हमारे उप मुख्यमंत्री क्यों होना चाहिए? क्राइटेरिया है ही नहीं, मतलब वही है, वो दुष्ट भी है, दुष्चरित्र भी है, अपराधी भी है, भ्रष्ट भी है, और उन्होंने पूरे जो है ना सिस्टम को अपना चरण सेवक बना लिया है। और वो भाई ये देखिएगा, ये सब इन लोगों को मालूम, ये क्यों नहीं वर्ल्ड क्लास कानून बनाते,
हमारा सवाल ये है, इनको सब मालूम है, पता नहीं कि इनको, जब आपको हमको मालूम है इनको नहीं मालूम है, क्योंकि वो सब ये इनके लिए घातक होंगी, ये फंसना नहीं चाहते, खाली पब्लिक को बेवकूफ अब बनाते, पब्लिक का माइंड अब खराब जो करते है हैं। ये पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना पाएंगे, और जिनको ये वोटों का ठेकेदार बने रहे हैं वो अपने आप के ठेकेदार बने रहेंगे, अपने अकेले वोट के ठेकेदार होंगे, उनकी बीवी भी उनकी बात नहीं मानेगी। मेन कारण क्या है भाई, देखो राजनीति में श्याम दान दाम दंड भेद तीन रीति काम करती है, जो जैसा हिसाब से आदमी को ले लेते हैं, आप देखो जिस आदमी को ये लेंगे वो अकेला जाएगा, उसके नीचे की फौज इनके साथ नहीं जाने वाली है। भाई भाई वो उन्हीं लोगों को पकड़ते हैं जिनके साथ फौज है। अब वो अभी अभी जैसे जो है, अभी जैसे जो है अजीत पवार और ये सब जाएंगे तो अजीत पवार अकेले जाएंगे, उनके नीचे की फौज जो है ना जनता, वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ेगी। ये राजनीति क्या देखिए पूरी सेटिंग है इस बार, आप अब देखिए राजनीति के, राजनीति के मॉडल को धराशायी करना पड़ेगा ना अपन को। हाँ इस बार आप देखिए, मतलब बीजेपी से गई, अच्छा अब ये कांग्रेस की पूरी प्लानिंग चल रही है, पूरी प्लानिंग देखो बीजेपी और कांग्रेस में मैं कहूंगा कि यदि बीजेपी दुष्ट है तो कांग्रेस तो महा 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 दुष्ट है, क्योंकि वो सबसे पहले सत्ता में आई, यदि वो सही नियम कानून और व्यवस्था को लाती, गुलामों के नियम कानून को बदल देती, संविधान के विपरीत कानून नहीं बनाती, गलती वहीं से हुई है, गलती वहीं से हुई है, सब ज्यादा तो फिर महादुष्ट कौन कहलाए आप, कांग्रेस कहलाई ना, तो और भाजपा भी अच्छी नहीं है, भाजपा भी दुष्ट है, भाजपा भी दुष्ट है। सही है भाई, आप देखिएगा इतने खाली इमरजेंसी क्यों लगाई थी, अपनी कुर्सी खतरे में थी बचाने के लिए इमरजेंसी लगाई थी, इमरजेंसी भी क्या नहीं किया इन लोगों ने। अब ये बताओ इतने दुष्ट हैं, ये इतने दुष्ट हैं कि 1971 में बांग्लादेश को पराजित करने वाले नायक को इन्होंने पेंशन नहीं दी। जब जो है मिस्टर अब्दुल कलाम उनको देखने के लिए पहुंचे तो बातचीत में उन्होंने कह दिया कि हमें पेंशन नहीं मिली है, और डॉक्टर अब्दुल कलाम ने जो है 7 दिन के अंदर उनको 5 करोड़ का चेक जो है ना भिजवाया, और वो जो है 5 करोड़ उन्होंने बहुत जल्दी जो है वेलफेयर को जो है ना दान कर दिया, उन्होंने उसमें से एक पैसा भी अपने पास नहीं रखा। ऐसे थे हमारे फील्ड मार्शल मानेकशॉ बहुत सही आदमी थे। आप देखिए वर्ल्ड हिस्ट्री में पहला रिकॉर्ड है तक किसी आदमी ने मिलिट्री को सिलेंडर नहीं करवाया है, वर्ल्ड वार तक में हुआ तो मैं वही कह रहा हूँ कि ये कांग्रेस कितनी दुष्ट है, जिसको हम इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा ये कहते हैं, और ये कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा था, बेचारे वाजपेयी जी जो है ना चिल्लाते चिल्लाते मर गए कि मैंने ऐसा कभी नहीं कहा, लेकिन किसी इन दुष्ट लोगों ने जो है ना उस बात को दबाया, ये बिल्कुल वैसा ही हो गया कि अश्वत्थामा मारा गया किंतु हाथी, तो किंतु हाथी जो है ना दबा दिया गया। अटल बिहारी वाजपेयी इस देश के प्रधानमंत्री बन के मर गए, और अभी भी जो है ना वो इस इम्प्रेशन को नहीं मिटा पाए कि उन्होंने ये बात कभी नहीं कही कि इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। नहीं वाजपेयी जी बहुत होशियार आदमी, माइंडेड आदमी थे, ईमानदार आदमी थे। नहीं नहीं लेकिन ये तो एक इतने दुष्ट है कि वो व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर बन के जो है ना मृत्युलोक चला गया, उसको वो भी इस इम्प्रेशन को दूर नहीं कर पाया, ये कितने फरेबी झूठे नकारा लोग हैं। अब इनके पाप का घड़ा भर चुका है। दुबे जी पूरी ताकत लगा दीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि दिसंबर में मध्य प्रदेश में सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता पराजित होंगे, जिसमें कमलनाथ भी होंगे और शिवराज सिंह चौहान भी होंगे हारने वालों में। फुल कोऑपरेट करूंगा, जितनी मेरी ताकत है उस ताकत से मैं काम करूंगा। आप अपनी ताकत को कम मत मानिए, हम तो जो है निर्जीव लोगों में भी प्राण फूंक देंगे, आप चिंता मत करिए। ठीक है, आने के विचार में अच्छे लगे, मतलब अच्छा मैं भोपाल आने वाला हूँ आज दिन में, और मेरे साथ एक दो आदमी आएंगे, अपन बैठ के बात करेंगे। मैं तो आपसे ये कहूंगा कि आप जहाँ कहीं भी आयोजन कर सकते हैं आयोजन करें, और उसमें हम जो है ना लोगों को जो है ना मोटिवेट करेंगे, क्योंकि अब जो है ना एक दो लोगों से बात करके काम नहीं चलेगा, अब हमें खुद फील्ड में बहुत जोर से घूमना पड़ेगा। तो आप लोगों को जोड़ते जाइए, उन्हें एक जगह इकट्ठा करिए, और हम आपके भाषण देके उनको पूरा मॉडल समझा देंगे, सब लोगों में हवा भर जाएगी, ये दुष्ट राजनेता पराजित हो जाएंगे। भाई हम लोग मीटिंग के लिए जाते हैं ना फील्ड में, तो लोगों को काम करवाते हैं हम, कलेक्टर से कमिश्नर से लोगों से, मतलब लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं। तो दुबे जी आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने नरसिंहपुर
क्राइम फ्री भारत के उपाध्यक्ष के रूप में अपनी जो है सहमति दी है, इसके लिए मैं आपको बधाई भी देता हूं और आपका अभिवादन भी करता हूं, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी एनर्जी से क्राइम फ्री भारत को निश्चित रूप से फायदा होगा। भाई मैं तो आपका दिल से जुड़ा हूं, मतलब आपके विचार मेरे को अच्छे लगे, आपकी प्लानिंग अच्छी। चलिए, ये विचार और प्लानिंग तभी अच्छी कहलाएगी जब हम दिसंबर के महीने में इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करके सभी राजनीतिक पार्टियों के सभी राजनेता, जिसमें दो दो तीन तीन बार के विधायक, सांसद, मंत्री और मुख्यमंत्री भी होंगे, ये सब पराजित हो जाएंगे, वो भी उभरते हुए चंद्रगुप्तों को। और ये चंद्रगुप्त किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, अपने लिए वोट नहीं मांगेंगे, ये केवल एक ही बात कहेंगे, आपको अपराध मुक्त भारत 21 लक्ष्यों सहित महापरिवर्तन चाहिए तो जुड़ जाइए, बस इतना ही कहेंगे। इनके ऊपर प्रतिबंध होगा कि इनको जब टिकट भी मिल जाएगा और ये अपना वो फाइल भी कर देंगे, नॉमिनेशन भी फाइल कर देंगे, नामांकन भी फाइल कर देंगे, तब भी ये कहीं पर हाथ जोड़ के लिए अपने लिए वोट नहीं मांगेंगे। ये बहुत संगोष्ठियां करेंगे, लेकिन संगोष्ठियां में क्राइम फ्री भारत और 21 लक्ष्यों से के लिए लोगों को जोड़ेंगे, और जो लोग जुड़ेंगे ये उनका सदस्य संकल्प है कि वो छत पे चढ़ेंगे, थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे और कहेंगे जो भी हमारा चंद्रगुप्त घोषित होगा हम उसे संकल्प के साथ विजयी बनाएंगे। ऐसे चंद्रगुप्त के सामने ये बौने चरित्र के राजनेता हवा में उड़ जाएंगे, इन्हें मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए विवश होना होगा। तो मेरे ख्याल से वार्ता काफी हो गई है, यदि आपकी इजाजत हो तो आप वाणी को विराम दिया जाए। अरे नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए चलिए, तो आप मुझे जो 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 डॉक्यूमेंट्स हैं वो भेज दीजिए, और मिलने आने के पहले अपना चमत्कार जमीन पर दिखा के आइए और फिर बताइए कि साहब मैंने इतना इतना कर लिया है। और आप मुझे जब आएंगे तो मुझे आमंत्रित करिए कि साहब आइए, आप नरसिंहपुर में आइए, गढ़रवारा में आइए, हम आपका बड़ा बड़ा जो है संगोष्ठियों को लोगों को इकट्ठा करके एक परचम फहराएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। तो एक बार जो है हम फिर से पूरे देश की जनता को, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश की जनता को, राजस्थान और छत्तीसगढ़ की जनता को आह्वान करते हैं, आगे आओ, पदी जिम्मेवारी संभालो, लोगों को जोड़ो, इन दुष्ट राजनेताओं को पराजित करो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। चलिए, ओके।